चिकन मोमो बनाने के लिए पहले चिकन को रेडी करना है। मैं चिकन को चिकन का हड्डी से निकाल लूँगा। ऐसा काट के चिकन को, चिकन का जो ब्रेस्ट है वो मैं अलग कर लिया। मैं इसे लंबा लंबा पीसेस में काट कर छोटा छोटा पीसेस में काट लूँगा, जैसा कीमा करता है। मैं कीमा कर लिया। आप लोग हो सके तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर भी कीमा कर सकता है। मैं इसे नाइफ से कीमा किया है। चिकन को पकाने के लिए मैंने लिया है काटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, प्याज और गाजर। चिकन कुक करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया। फ्राई पैन गर्म होते ही मैंने तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालूंगा एक चम्मच प्याज, एक चम्मच लहसुन, आधा चम्मच अदरक। अब इसे अच्छे से सौते कर लूँगा। लाइट ब्राउन होते ही डालूँगा इसमें आधा चम्मच काटा हुआ हरी मिर्च। इसे स्लो फ्लेम में ही पकाना है। अब इसमें डालूँगा काटा हुआ गाजर एक कप। गाजर 50% कुक होते ही अब इसमें डालूँगा कीमा चिकन जो मैंने नाइफ से काट कर रखा था। मैं इसे अच्छा से मिक्स करके पका लूँगा। अब मैं इसमें डालूँगा आधा टीस्पून नमक, हल्दी आधा टीस्पून, आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर। एक टीस्पून धनिया और जीरा पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिलाकर कुक कर लेंगे। अब मोमोज के लिए चिकन रेडी हो गया। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे खुशबू के लिए। चिकन रेडी हो गया। चिकन को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। टमाटो चटनी के लिए मैंने लिया है पका हुआ टमाटो। छिलका निकालने के लिए मैंने टमाटो को ऐसा करके काट लूँगा, आप लोग देख सकते हैं, ताकि छिलका आसानी से निकल सकूँ। टमाटो को बॉयल करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा के उबाल दिया। उबला हुआ पानी में मैं टमाटो डाल दिया और इसे एक मिनट के लिए ब्लांच करना है। एक मिनट हो गया, अब इसे मैं ठंडा पानी में डाल दूंगा। बर्फ़ पानी में बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास बर्फ़ नहीं है, आप लोग हो सके तो बर्फ़ डाल सकते हैं। अब मैं इसे छील लूँगा अच्छा से। टमाटो को छोटा छोटा कटिंग में काटना है ऐसा करके। अब हमें बनाना है टमाटो चटनी। टमाटो चटनी बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया। अब फ्राई पैन गर्म हो गया, इसके ऊपर तेल डालूंगा। थोड़ा सा काला जीरा डाला है हमने, काटा हुआ अदरक हाफ टी स्पून, काटा हुआ लहसुन हाफ टी स्पून। अब इसे थोड़ा फ्राई कर लेना। हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, टमाटो काटा हुआ,
वाइट विनेगर 1 स्पून, हाफ टी स्पून नमक, हाफ स्पून हरी मिर्च, 1 टीस्पून चीनी, और इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है। थोड़ा पानी डाल देता हूँ। अब इसे ढक देता हूँ 3 मिनट के लिए। इसे स्लो फ्लेम में पकाना है। 3 मिनट हो गया, अब इसे निकाल देता हूँ। हाफ चटनी रेडी। बहुत अच्छा कलर आया। खट्टा मीठा तीखा तीनों है। ये मोमो के साथ अच्छा लगेगा। अब इसे निकाल लेता हूँ। मोमो बनाने के लिए डो बनाना है। अब इसमें डालूँगा 1 चम्मच नमक और पानी। अब इसे अच्छा से मिक्स कर लेना, जैसा रोटी बनाता है वैसा ही बनाना। बहुत ही टाइट डो बनाना है। ऐसा मैदा को गूंदना है अच्छा से। मैदा को अच्छा से गूंद लिया है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। ऊपर से फिर से ऐसा गूंदना है। तेल मिक्स हो गया अच्छा से। अब इसे आधा घंटे के लिए रख देना है। अब आधा घंटा हो गया। अब इसे छोटा छोटा गोला बनाना है। ऐसा छोटा छोटा गोला बना लेना है। अब हम इसे ढक देंगे गीला कपड़ा से ताकि सूख ना जाए। अब इसे एक एक करके बनाना है। इसके अंदर से ऐसा निकल के एक एक करके बनाना है। मोमो का डो को ऐसे लीची की तरह बेलना है गोल। ऐसा गोल करना है। अब इसके ऊपर चिकन का मिक्सचर जो बनाया था वो डालना है। ऐसे अब इसे फोल्ड करना है। ऐसा ऐसा फोल्ड करना है। बहुत ही इजी है। ऐसा फोल्ड करना है। देख लीजिए कितना अच्छा हुआ। ऐसा करके बाकी जो जितना मोमो है वो मैं बना लेंगे। मोमोज मैंने बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं स्टीम करूँगा। एक बर्तन में मैंने पानी बैठा दिया। मोमो को स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने लिया है एक स्ट्रेनर जैसा थाली। थाली को ऐसा करके ऑयल डाल देना।
अब मैं एक एक पीस करके जो बना हुआ मोमोज है वो डाल देंगे। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगा। 10 मिनट हो गया, अब मैं कवर निकाल दूंगा। मोमोज पक गया, देख के लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये पक गया। अब इसे निकाल दूंगा। मोमोज रेडी हो गया, अच्छे तरीके से पक गया। मैं मोमोज के साथ टमाटो चटनी डाला है, बहुत ही टेस्टी मोमो बनाया मैंने। आप लोग भी घर पर ट्राई करें और बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।